मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल मक्का मदीना को दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है और जहां हर साल देश विदेश से करोड़ों सैलानी पहुंचते हैं और शैतान को पत्थर भी मारते हैं। मक्का मदीना के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भारत में मौजूद है, जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पंपा में स्थित सबरीमाला मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इस मंदिर की धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वता है। मलयालम में शबरीमाला का अर्थ होता है पर्वत। ये मंदिर पंपा में सह्याद्री पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम सबरीमाला पड़ा। ये मंदिर वैष्णव और शैव समुदाय को जोड़ने वाली एक अद्भुत कड़ी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि अत्यधिक कठिन मानी जाती है। इतनी दूर होने के बाद भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी झोली भर कर जाते हैं। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण महाभागवत के अष्टम स्कंध और स्कंद पुराण के असुर कांड में जिस शिशु शास्ता के बारे में उल्लेख किया गया है, वो वास्तव में भगवान अयप्पा है। भगवान अयप्पा की उत्पत्ति विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान विष्णु के समागम से हुई थी। भगवान अयप्पन का जन्म मकर संक्रांति के दिन पंचमी तिथि और वृश्चिक लग्न के संयोग में हुआ था। इस दिन धूमधाम से इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। मलयालम महीने के पहले 5 दिन छोड़कर साल के सभी दिन मंदिर के दरवाजे आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने ही अयप्पन की पूजा के लिए पूर्ण कवन के नाम से प्रसिद्धि 18 पहाड़ियों के बीच सबरीमाला में मूर्ति की स्थापना की थी। 5 दिनों में भगवान अयप्पन के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त 18 पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में 5 किलोमीटर चलकर 18 सीढ़ियां पार कर सच्चे मन से पहुंचता है, उसकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप से उत्पन्न होने के कारण भगवान अयप्पन दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। ऐसी मान्यता है जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद लेकर यहाँ पहुंचता है, वो कभी खाली हाथ नहीं आता। भगवान अयप्पन को ब्रह्मचारी माना जाता है, अतः इनके मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ सिर्फ छोटी बच्चियां या वो महिलाएं जा सकती हैं जो कि पीरियड से मुक्त हो गई हों। 800 साल पहले जब शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया था, तब इन दोनों संप्रदायों के बीच मित्रता और समन्वय बढ़ाने के लिए इस तीर्थ स्थल की स्थापना की गई थी। दोनों संप्रदायों में मतभेद दूर कर तनाव खत्म करने के लिए भगवान अयप्पन की परिकल्पना कर इस तीर्थ को स्थापित किया गया। इस मंदिर में कोई भी जाति धर्म को मानने वाला आस्था रखता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।